क्वेश्चंस हो गए घर वाले? लास्ट वाला नहीं हुआ, लास्ट वाला क्या दिया था? अप्रॉक्स करके आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। आई मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%, आई मेक ए प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का हो रहा है, ठीक है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल, ठीक है। व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज इफ इट वाज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस? तो ये प्रॉफिट हो रहा था कितना? 20% का। तो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो किस पे होता है? CP पे होता है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास कॉस्ट प्राइस था 100 रुपये, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 20% प्रॉफिट है तो क्या लिखेंगे इसको, 100 × 1 × 10 × 20 क्या लिखें, कितना परसेंट है? तो 120 अपॉन, तो ये बन गया 120 हो गया। तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, डिवाइड में क्या होता था? CP होता था, कॉस्ट प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है आपको? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना निकला है? तो इसको यहाँ पे लिखूंगा मैं SP। क्यों बोला SP, क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। तो SP कितना है? SP की वैल्यू दी 120 और ये 100 है और ये 120 है, तो ये आ गया 20 अपॉन 120, और यहाँ परसेंटेज का 100 भी आता है, यहाँ पे 100 का परसेंटेज, इसको लिख दिया 2 × 1 = 2, 6 और ये 100 है, तो ये आ जाएगा 6 × 1 = 6, 16.66% आ रहा है आपका, ठीक है, 16.66% आ गई। ये क्लियर है? क्या करना था इसमें, जो CP की जगह क्या करना था, SP डालना था, बाकी जो जैसा प्रॉब्लम थी वैसी रही, कोई चेंज नहीं होना था। जो हल्का सा ट्विस्ट कर दिया मैंने, बोला ना कि अगर वो क्वेश्चन में बोलेगा तब करना है, अदरवाइज नहीं करना है, जैसा है वैसा चलेगा। सो टुडे विल डिस्कस कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, एंड बेस्ड ऑन इट विल इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने, कभी कभार उनका डिफरेंस भी बोला जाता है। तो अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, वो पहले समझते हैं, फिर उस पर उसकी फॉर्मूला देखते हैं, फिर शॉर्टकट देखते हैं, ठीक है। अब जो सबसे कैलकुलेशन पार्ट जिसको टाइम कंज्यूम होता है, एज देर आर नो शॉर्टकट्स, सो जो पेपर सेटर है वो मैक्सिमम 3 साल तक ही जाता है, किसके केस में? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइन करने के लिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट काफ़ी कम्प्लेक्स फॉर्मूला प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो वो मैक्स टू मैक्स वो 4 तक जाएगा, अदरवाइज 2-3 तक वो सिमट जाता है, 2-3 तक वो आपको डिसीव करने की कोशिश करता है, आंसर निकालने के लिए बोलता हो, ठीक है। तो आज देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे ईजिली समझेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट होता है एक ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज पे ब्याज देना, यानी कि सूद पे सूद देना इज कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड व्हेन यू आर पेइंग ओनली इंटरेस्ट, प्लेन इंटरेस्ट, वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। अब कैसे पता लगेगा मैं प्लेन इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? तो अभी क्या करता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास 10,000 रुपये थे, मैंने बैंक से 10,000 रुपये लिए, बैंक से 10,000 रुपये लिए, तो बैंक दो चीज़ें कर रहा है, एक दे रहा है मुझे सिंपल इंटरेस्ट 5% की दर पे, कंपाउंड इंटरेस्ट 5% की दर पे, ठीक है, ये दो सी केस आ गए। तो अब पहले इसको समझते हैं कैसे, मैंने कहा पहले साल कितना चलेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला होती है P × R × T/100, सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला होती है P × R × T/100। तो सिंपल इंटरेस्ट साल के बाद देखना मुझे कितना आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 1000 रेट हमारी दर किस दर से वो दे रहा है, तो रेट ऑफ परसेंटेज है 5%, सिंपल इंटरेस्ट निकालना हमें, अच्छा उसके बाद टाइम दिया है 1 साल का ले लेता हूँ मैं, और अपॉन 100 आ जाएगा, 2020 कैंसिल, तो पहले साल का सूद मेरा सिंपल इंटरेस्ट में 50 बना, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बनेगा? तो पहले साल में आपको ये ध्यान देना है कि फॉर द फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हैव सेम वैल्यूज़,
पहले साल के लिए, चाहे वो सम आपको बैंक आपको लोन कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहा है या सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहा है, वो दोनों सेम आएंगे। अब क्यों होगा, ऐसा क्यों होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ अलग ही चीज़ है, ये इसमें वैल्यू ज़्यादा आती है, इसमें अभी क्यों नहीं आ रही, तो मैं ये बता दूँ आपको कि जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये आपको जो आपको सूद होता है, सूद पे सूद लगता है। तो क्या मतलब हो गया उसका, अभी मैंने कहा कि पहले साल मुझे क्या मिला, यहाँ से भी 50 रुपये मिले, यहाँ से भी 50 रुपये मिले, तो ये फर्स्ट ईयर का हो गया। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं, तो सेकेंड ईयर में ये सिंपल इंटरेस्ट के केस में सूद 50 ही रहेगा, ये हर साल 50-50 ही रहेगा। दो साल के बाद कितना सूद मैंने पे करा, 200, ये 50 कहाँ से निकला, यहाँ से पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से। अब यही आता हूँ मैं, मैंने कहा पहले साल सूद कितना है 50, अब दूसरे साल ये 50 तो होगा ही होगा, साथ में इस 50 का 5% भी निकालना है एक साल के लिए, 0.05 × 5 = 2, तो कितना है 2.5, 50 और 2.5, ये आ गया आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की दर। तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में पे कर रहे हो तो दो साल के बाद आपको देना है 50 + 52.5, तो आप कितना दे रहे हैं 102.5। और वहीं अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के केस में दे रहे हैं 100 रुपये देना है दो साल के बाद, और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना दे रहे हैं आप 102.5। तो जो सूद आया, सूद पे सूद जो आपने पे करा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे हर साल वही वैल्यू आएगी जो आपके पहले साल आई, दूसरे साल भी वही आएगी, तीसरे साल भी वही। क्यों, क्योंकि ये उस सूद को इंक्लूड ही नहीं करता है, ये बेसिक प्रिंसिपल पे ही वैल्यू निकालता है। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले साल आपका आया 10,000, ये 10,000 50 पे वैल्यू निकालता है, यानी कि जो दूसरे साल में आपका प्रिंसिपल जो यहाँ पे पहले 10,000 था, वो 10,000 50 हो चुका है। लेकिन किसके केस में, सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमेशा 10,000 ही रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में इट विल ऑलवेज बी द अमाउंट प्रिंसिपल विच हैज़ बीन गिवन टू यू इनिशियली, फॉर द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो पहले साल आपको सूद आया उसको ऐड करके अगले साल का वो प्रिंसिपल बन जाता है। तो जिसकी वजह से ये मैंने वो एडिशनल जो करा, जो 50 था, क्यों 50 पहले साल का सूद आया, उस पे सूद क्यों करा 5%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है दोनों के केस में, तो उसका 5% निकाला, तो जो यहाँ से 2.5 आया, तो 52.5 मेरा बना सूद दूसरे साल के लिए, पहले साल के लिए दोनों सेम है, दूसरे साल के यहाँ 50 है, यहाँ 52.5, ये 2.5 क्या है, सूद पे सूद 50 पे जो इंटरेस्ट बना, तो उसको हमने सिंप्लीफाई करा, तो ये बन के मेरे पास 102.5 दिस इज दी। और अगर डिफरेंस देखना होता तो डिफरेंस कितना आता, 2.5 आ जाता, ये क्लियर हो गया। तो ये आपके पास आ गया, ये समझाने के लिए कि आपको जो ट्रांजैक्शन होती है सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में वी ओनली टेक दी बेसिक अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया है, और उसी पे हम आगे आगे वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट पहले साल के लिए सेम रहता है, पहले साल में जो सूद आया उसको प्रिंसिपल के साथ ऐड कर देते हैं। तो प्रिंसिपल को ऐड कर देते, जैसे मैंने कहा कि लेट्स सपोज यहाँ पे 10,000 था, पहले साल के बाद अमाउंट कितनी, प्रिंसिपल कितना बन गया, 10,050 हो गया। तो मैंने कहा अगर मैं लिख दूँ 10,050 ले लिया मैंने, उसको मैं 5% निकाल देता हूँ, 5 upon 100, ठीक है। तो क्या कर दिया मैंने 10 से 10 कैंसिल, 5 1 = 5 2 = तो ये आपके पास आ गया, अमाउंट इज P × R × T / 100। नहीं कितना, ये 1,000 ही लिया था मैंने, अच्छा यहाँ पे 1,000 लिया था, यहाँ 10,000 लिया था, ये 1,000 ही है, ठीक है, ये 1,050 आ गया, ये 0 0 5 1 = 5 2 = 10 इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 2 5 = 10, तो ये भी 52.5 ही है। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, पहले साल में सूद कितना है 50, उसको 1,000 को जोड़ दिया, 1,050 हो गया, उसका दूसरे साल सूद निकालने के लिए 5 × 1 × 100 करा, कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। तो बेसिकली हम कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, बशर्ते आपने पहले साल में प्रिंसिपल सेम रहा, तो जो इसका P × R × T था वो इसका भी P × R × T, इसकी वैल्यू 50, इसकी भी 50। नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू उतरे पे निकालें 1,000 पे, लेकिन इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ जो वैल्यू है 50 से इंक्रीज होगी, यानी कि जितना पैसा मैंने दिया था उसको 50 ऐड कर दो, फिर 5 कर दो, एक साल के लिए निकाल दो, तो आपको दूसरे साल का आपको मिल जाएगा 52.5 जो हमने निकाला, वो यहाँ पे भी निकल गया। तो ये आपके पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की बात करी हमने, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये बेसिक वैल्यूज थी, बेसिक नोशन था इसका कि भाई कैसे निकालते हैं। अब हम करते हैं इस पर
इस फॉर्मूला देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला होती है, पहली फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वेयर पी इज प्रिंसिपल, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस दर पे दे रहा है वो, फिर आपके पास टी हो गया टाइम पीरियड, और सिंपल इंटरेस्ट तो ऐसा है तो पता ही है आपको। और दूसरा होता है हमारे पास अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और ये सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, ये भी जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला होती है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट पावर एन। इसके साथ माइनस वन भी फॉर्मूला कर दो, माइनस वन भी आएगा इसके साथ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले ये बेसिक फॉर्मूला है तो ये सब उतार लो पहले। अब हम क्या करते हैं, एक बेसिक सम करते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं जिस पे हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, कर दूँ उसको रब या साइड में लिख देता हूँ मैं। मैंने कहा कि अभी मेरे पास पैसा जो है, मेरे पास बैंक से ले रहा हूँ मैं 20,000 रुपये, 20,000 रुपये ले रहा हूँ मैं, जो दर दे रहे हैं वो दे रहा है दर, वो 10% की दर से दे रहा हूँ, रेट इज 10%। टाइम जो है, टाइम दे दिया उसने मुझे 2 ईयर्स का। बताओ जी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना हमें, तो सिंपल इंटरेस्ट और ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये फाइंड करने हमने, सब कुछ चीज़ें मिल गई है। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट पी कितना है, पी है 20,000, 20,000 हो गया, रेट कितनी है, रेट है 10% की दर, टाइम कितना, 2 साल, और अपॉन 100 आ गया, ये 20, ये 20 कैंसिल, तो 2×4=40, 400 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो वही अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने की बात करता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू ऐसी हो जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये तो क्या फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला से करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, तो 20,000 बाहर रहेगी, और 1(1) आर कितनी है, 10% का ये 100, एन होता नंबर ऑफ ईयर्स, एन यहाँ पे है नंबर ऑफ ईयर्स, हाँ जी, हाँ सॉरी 4,000। तो 1 + 10/100 रेस्ट पावर एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स है, -1 कर दिया, तो ये दो एक एक गया, ये एक गया, तो ये मेरे पास आया 20,000, 10 × 10 = 11/10² तो 11/11 × 10/10। देखो यहाँ पे फिर से बताता हूँ, 10×10, 10 + 11 और नीचे 10 ही रहा एलसीएम, 2 बार ये, तो 2 बार ही लिखा और -1 कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास 20,000,
ग्यारह इंटू ग्यारह 121, 100 इंटू दस 100 इधर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 100। तो ये दो जीरो कैंसिल, 21 में से 121 में से तो हो गया 21 इंटू 200। तो ये अब आपके पास आ गया 2 1 2 2 2 4, 4200 आया, ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, फॉर्मूला उतार ली बीच वाली आपने। ठीक है, हम दूसरे तरीके से करते हैं विदाउट यू, जोर से थोड़ा। एन की जगह नंबर ऑफ ईयर्स है, एन की जगह नंबर ऑफ ईयर्स है, साल कितने दिए, नंबर ऑफ ईयर्स लिख लेना है। हाँ, अब गड़बड़ कर रहे हो, देखो ना पहले साल आपको निकालना पड़ेगा ना, पहले साल का देखो आप, पहले साल अगर करते हैं तो वन आ जाएगा ना, ये वन आ जाएगा तो वो कितना रहेगा, वो 2000 ही आएगा। अब हम ऐसा करते हैं विदाउट यूजिंग फॉर्मूलाज, कोई दूसरा तरीका से, दूसरे तरीके से करते हैं इसको। ठीक है, रब कर दूँ बीच वाली फॉर्मूलाज, रब कर दूँ। हाँ, उस केस में वन ही लेना है, अगर आपको उस केस की तरीके करना है। हाँ, उसको प्रिंसिपल को ऐड कर देना, वो आपको पहले साल आपने निकाल देना, कुछ सिंपल इंटरेस्ट आया वो प्रिंसिपल के साथ ऐड कर दो, फिर दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट निकालो, उसके साथ भी एक साल एक ही रखना, एक एक साल का ही निकलेगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अभी इसको ये ट्रिक को समझो पहले। ये अभी ट्रिक क्या है कि पहले आप क्या करोगे, हम इसमें सर्कल्स बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ देखते हैं प्रिंसिपल कितना है, 20,000, तो 20,000 लिख दो। आपको खाली ये चीज़ करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10% है ना, उसको 10% को कैसे लिखना है, 10% को लिखोगे 10/100, क्या बनेगा वो, 1/1, तो 1/10 इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो और 1/10 यहाँ से मल्टीप्लाई करो, तो आपको क्या मिला, 1010 कैंसिल तो मिला आपको 2000, और यहाँ से भी 1010 कैंसिल तो मिला 2000। तो ये आप इन दोनों को ऐड करोगे, आपको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर दी फर्स्ट ईयर, दो सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर टू ईयर्स विल बी 4000। तो यही आया था हमारे पास यहाँ पे। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, मैंने कहा 2000 को फिर से इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये जीरो कैंसिल, तो कितना बचा 200, इन सबको ऐड करो तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, तो 2 2 4 4200, तो यही नीचे आया। ठीक है, फिर से बताता हूँ, पहले आपने क्या करा, जो भी प्रिंसिपल दिया है प्रिंसिपल ले लेना है, प्रिंसिपल ले लिया, उसके बाद क्या कर देना, जो रेट है वो 10% 20% जो भी दिया होगा, ठीक है, जो भी दिया होगा उसको आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे सिंपल नंबर में, तो परसेंट का 100 नीचे आएगा, 0 0 कैंसिल, 1/10 नंबर हो गया, उस 1/10 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर इसको मैं 20,000 को मैं 1/10 से करता हूँ, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो बचा ये 2000, वो लिख लिया, और ये 2000 यहाँ पे भी फिर से आएगा क्योंकि इसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यार ये निकल गया तो उसको ऑटोमेटिकली लिख दूंगा यहाँ पे। तो ये क्या मिले मुझे, दो सालों के, ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताओ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2000 को फिर से 1/10 से करता हूँ, तो 1010 कैंसिल, तो बचा 200, तो इन सबको तीनों को, इसको इसको और इसको ऐड करा तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया 2 2 4 4200। तो यही यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद निकला था, तो यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो गई थी, यहाँ पर सिंपल ही हो गया। समझ आ गई, ये क्लियर हो गया सबको।
200 जब आ गया ना तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो ये सिंपल इंटरेस्ट एक ही लाइन में हो गया, ये पूरा आप कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और अगर अमाउंट निकाला तो ये पूरा अमाउंट हो गया, ये पूरा सर्कल हो जाएगा कि अमाउंट कितना पे करना है आपको, अमाउंट। हाँ जी 2000, ये 2000, ये तो 4000 हो गया, दो दो चार हो गया, ये दो दो चार और 204000 200 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद यही 1/10 से आगे के चलते जाएगा कारवां, तो यहाँ 200 है, 4200 ले लिया, समझ आ गई। तो अभी अगर डिफरेंस बोलना होता कि दो सालों के डिफरेंस बताओ किस किस के बीच में, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के केस में, देखो ये पूरा बना कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दो मैंने सिंपल इंटरेस्ट, 4200 में से 4000 निकाले तो 200 जो है वो आपका दो साल का डिफरेंस है किस किस के बीच में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में, ठीक है। हो गया, ये समझ आ गई, और एक क्वेश्चन दे दूँ, चलो ठीक है, देखते हैं आप कर पाओगे कि नहीं। उतार लिया सबने, इसको कॉर्नर को रब कर दूँ मैं। तो तीन तरीके करने के, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, उसको ऐड करो किसके साथ, प्रिंसिपल के साथ, फिर वो चलते जाओ जितने साल निकालना है, या तो ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो जो फॉर्मूलाज दी हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ₹32,000 मेरे पास प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 12.5% का है, टाइम मेरे पास 2 साल का है, आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, उनका डिफरेंस कितना है, उनका अमाउंट कितना है। ठीक है, तो आपके लिए मैं ऐसा कर देता हूँ, ये थोड़ा पार्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि 12.5% को अगर आप ऐसे करना चाह रहे हो, वैसे करोगे 12.5% आपको थोड़ी प्रॉब्लम ला सकता है, लेकिन 12.5 को अगर मैं ऐसे करूँ 12.5/100 लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे डन। मैंने कहा कि इसको ऐसे लिख दूँ 125/100×10, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करा 10 से, तो 25 पंजे 25 चुके 5 इके 5 दूने, तो 1/8 कन्वर्ट हो जाता है, ये 1/8 कन्वर्ट हो गया, बस आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, बस फिर आप इसमें डाल लो, ये जहाँ पे 1/10 था वहाँ 1/8 डाल लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब निकाल के दिखाओ मुझे सवाल जल्दी से, तभी ये पता लग गया ना 12.5 को कैसे लिखा मैंने 1/8। आठ चुके 32,000, हाँ 8,000 होगा, हाँ बढ़िया। अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो 5,000 कैसे हो, कम तो होगा नहीं, ज़्यादा ही हो गई, गड़बड़ कर रहे हो, यहाँ देखो ना कैसे करा था, 8500 आ रहा है, 4 8 5 40, हाँ 8500 आ रहा है, सबका आ रहा है, जिनका नहीं आ रहा है वो बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, फिर से बताता हूँ मैं।
जैसा भी आपको ईजी लगे वैसा कर सकते हो। तीन तरीके मैंने बोल दिया आपको, जैसे आपको फीजिबल लगे। बात ही हो गया आपका? दिखाओ। ठीक है, पहले 32,000 आपने किया, इसको 1/8 से करो, 8 1 8 4 4,000 आ गया। तो यहाँ भी 4,000 लिखना है, यहाँ ऑटोमेटिकली 4,000 क्योंकि इसी से कर रहे हैं यहाँ। फिर इसका कहेंगे 1/8 करेंगे, तो 8 1 8 5 40 0 0, तो 500 यहाँ आ जाता, बस आपकी बन गई बात। ठीक है, आ गया सबका। यहाँ पे क्या आएगा 4,000, यहाँ पे भी 4,000, यहाँ पे कितना आएगा 500, तो 4,000 4,000 8,000 8,000 500, 8,500 आ गया आपके पास। सिंपल इंटरेस्ट आया 8,000, कंपाउंड इंटरेस्ट आया 8,500, डिफरेंस आया उनका 500 जो यहाँ पे होगा, ये डिफरेंस बताता है। और अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट होगा पहले कितना है यहाँ पे 32 और 8 कितने हुए 40,000 500 आपको अमाउंट वापस पे करना है। सबको ऐड कर देना, यानी कि यहाँ पे कितना आया था 32,000, 32 और 4 कितने हो गए 36, 36 और 4 कितने हो गए 40, 40 और 500 तो 40,500 आ गया। आपने आपको दिया 12.5%, तो 12.5 लिखा और परसेंटेज का 100 नीचे डिवाइड कर दें। अब यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे मैंने हटाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करा, तो ये 10 कहाँ से लाया, तो 10 से डिवाइड भी किया। ये ऊपर वाला 10 किसी का मल्टीप्लाई हो गया, 125 बन गया ये, लेकिन इसके साथ तो इसको ऐसे रहने दिया। तो फिर 25 का टेबल, 25 5 125 होता है, 25 चुके तो फिर 5 1 5 2 4 2 8 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। उतना लेंथी वो देता ही नहीं, मतलब वो देखो उसकी भी सबकी क्या होती है, एक लिमिटेशन होती है। बेसिकली क्या होता है कि कैलकुलेशन, जब वो दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन पार्ट निकालने की कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन पार्ट का जब होता है कि प्रिंसिपल प्लस 1 + R/100 की फॉर्मूला लगाते हैं, तो वहाँ पर 12.55 आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई, वो कम्प्लेक्स करता है इक्वेशन को। ठीक है, वो इतना कम्प्लेक्स पूछेगा नहीं, वो आपको चाह रहा है कि आप इसको सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, और शॉर्टेस्ट टाइम में सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबका आ गया ना, वो दिखा देता हूं मैं। बत्तीस हज़ार आया, ये 1/8 आया यहाँ से, और यहाँ से भी 1/8 आया, 8 1 8 4 4,000 यहाँ आया, तो 4,000 यहाँ लिखा, उसी 4,000 को यहाँ लिखेंगे, तो 4 और 4 8,000 8,000 आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। फिर इस 4,000 को फिर से 1/8 से करा, 8 1 8 5 8 0 8 0 500 आ गया, तो 500 यहाँ आ गया, तो 4 4 8 8,500 आपके पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है यही 500, तो डिफरेंस है इनका 500। फिर क्या पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है व्हाट इज़ दी अमाउंट, अमाउंट क्या हो गया 32 4 36 36 4, 32 और 8 हो गए, देखो ना 32 और 8 हो गए 40 40 और 500 40,500, अमाउंट वापस मिलेगा, अमाउंट एक कॉस्ट 40,500। डन, अब हम करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल लिखो 25,000, प्रिंसिपल लिखो 25,000,
रेट लिखो 12 पॉइंट, सॉरी रेट लिखो 8%। प्रिंसिपल कितना लिखना है? 25,000। रेट लिखना है 8%। टाइम लिखना है 2 साल। बताओ जी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस, अमाउंट, सभी चीज़ें निकाल के लिखो। 8% को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 8/100, 8/100। हाँ जी, 4000 सिंपल इंटरेस्ट आ रहा आपका, बहुत बढ़िया। तो ये 8/100 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही कि भाई कैसे होगा ये, तो आप ऐसे करोगे, नहीं हो रहा सॉल्व तो ऐसे रहने देते, इसको ऐसे कर देंगे। 25,000 को 8/100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, तो 250 × 8 करें, 8 0 0 0, 8 5 40, 8 2 16, 2,000 आ गए। तो एक तरफ 2,000 आएगा तो दूसरी तरफ भी 2,000 आ जाएगा, 4,000 आ गया। फिर आपके पास जो 2,000 है, उस 2,000 का क्या निकालना आपने? अगेन 2,000 का आपने निकालना 8/100, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो के 160 आ गया, तो डिफरेंस आ गया 160 का। ये आ गया 4,000 आपका, ये आ गया आपका 4,160, और अमाउंट कितना आ गया? 4,000 और 4,060, 8,160, नहीं अमाउंट टोटल हो जाएगा ना, तो टोटल हो जाएगा 25,000, 29,000, 29,160। ठीक है, मैच कर लेना, सभी मैच कर लेना। आठ परसेंट को हम क्या लिखते हैं? तो आपको यहाँ पे थोड़ा अगर ये पता हो, आइडिया हो कि 5% को मैं 1/20 लिख सकता हूँ, 10 को 1/10 लिख सकता हूँ, 12.5 को 1.8 लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ। हाँ जी, 4,000 कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 4,160, 160 है ना एक्स्ट्रा। आपने 2,000 को 8/100 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 8 × 16, 160 आ गया। 4,160 ऊपर लिखा हुआ मैंने, डिफरेंस इनका 160 आ रहा है, और उसके बाद अमाउंट सबको ऐड करने, 25,000 प्रिंसिपल दिया था आपने, और उसके बाद आपने सूद टोटल जो कमाया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, वो 4,160 है, उसको ऐड कर दो, 29,160 आपका वापस मिलेगा आपको। अगर अमाउंट फॉर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग होगा, अमाउंट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 2,9,160, और सिंपल इंटरेस्ट के केस में हो जाएगा 29,000। ठीक है, 29,000 अगर वो सिंपल इंटरेस्ट के केस में वो पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में 29,160 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आ गई सबको? ठीक है, अब लिखते हैं। वैसे भी वही आता है, इसमें थोड़ी आंसर चेंज हो जाता। मैथ के तरीके अलग अलग, आंसर एक ही आता है। बट देखो ना, आपने आपको आपके लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं ये पिछला वाला था। 25,000 है, पहले आपने एक साल का निकाला, तो 25 पहले साल का 25,000 × 8/100 × 2 साल, तो ये दो गए, तो कितना आया? 2,000 आया। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरे साल का भी वही रहेगा, तो 4,000 आ गया, डन। अब आपने क्या करना, 25 को ये दो ऐड कर देना, तो 27,000 हो गया। 27,000 × 8/100 × एक ही आएगा, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गए, 8 0 0 0, 8 7 56, 8 2 16, तो ये आ गया 2,160। तो ठीक तो है, 2,000 और 2,160, 4,160 आ गया। ठीक है, अब सही हो गया, क्लियर हो गया? ठीक है, जिस भी तरीके से आपको सही लग रहा है,
बट मुझे लग रहा है यहाँ पर टाइम कम कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट ये तभी यूज़ कर सकते हैं जब प्रैक्टिस करोगे। आप बोलोगे ये तो आता है, उधर करोगे तो नहीं होगा, ठीक है, इट नीड्स प्रैक्टिस। क्वेश्चन उठाओगे, करोगे, तभी होगा, ठीक है। अब 3 साल का देखते हैं, 3 साल का करते हैं, 3 साल में क्या होगा। तो 2 साल में कितने बॉक्स बने थे, 1, 2, 3, 4 बने थे। अब 3 साल में देखते हैं, तो 3 साल में रब कर दूँ उसको, कर दूँ रब, प्रिंसिपल दिया है, $40,000 ले लेते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया, 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%। टाइम दिया 3 साल, क्या क्या बताना है, एक बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, डिफरेंस कितना है, फिर इसके बाद अमाउंट फॉर सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें बतानी। अब हम क्या करते हैं, ये ऐसे करा, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ऑक्टोपस बनाना है, ठीक है। तो 40,000 लिखा, 5% को क्या लिखेंगे, 5/100 क्या लिखेंगे, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5,
टाइम वेस्टेज है वो। तो ये एक ज़ीरो, ये एक ज़ीरो, तो दो दूने दो ज़ीरो, 2000 आ गए यहाँ पर, आगे 4000 को 4000 40000 लिखा मैंने, उसको डिवाइड करा 20 से, क्यों, क्योंकि 1/20 है, तो 1/20 ये 0 0 गया, तो दो दूने दो, तो 2000 यहाँ आया, 2000 यहाँ आया, 2000 यहाँ आया, तो आपका सीधे लाइन पे जो आया वो क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, दो दूने चार दूने छः, 6000 आया आपका। उसके बाद क्या करा हमने नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये आया, उसके बाद क्या करते थे, एक मिनट, फिर से 1/20, 1/20 और 1/20 करना था, ठीक है, नहीं बीच वाले को नहीं करना था, एक मिनट, ये आ गया आपके पास 100 100, ये आ गया 5, एक ज़ीरो कैंसिल, 2 1s 100 आ गए, यहाँ से भी 100 आ गया, और ये आपका आ गया 1/20 × 5, 0 से 0, 2 1s 2 5s। अब मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 3 लेने 2 लेने ऐसे लग रहा है मुझे, 2 ही लेने, तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है मुझे। अब ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, इन सबको ऐड करोगे क्या बन गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 × 4 × 6 6 6100 6200 6205, 6205 अभी जो लग रहा है मुझे, फॉर टाइमिंग अभी लिख लेता हूँ मैं, 6205 आया। अच्छा, उसके बाद ये वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस होगा ये वाली लाइन, 100 100 200 205, डिफरेंस आया 205। अब अगर मुझे बताना है किसके केस में, पहले बताना मुझे अमाउंट फॉर सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ कितने थे, 40000, 40000 को 6 ऐड करें तो कितना बन गया, 46000, और इसका कितना है, 6250, तो 46205, बस ख़त्म खेल। अब यहाँ मैं क्रॉस चेक करता हूँ इसको, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाली लाइन सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ दो, सारा जो नीचे बचा वो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी, हाँ, क्या कह रहे हो, ये वाला ये शॉर्टकट है ना, तो इसमें वो मैं चेक कर रहा हूँ उसको, अभी पहले ये देखो, अभी
तो जो अभी मेरे को जो मेरी डिस्क्रिप्शन में जो मुझे पता अभी मुझे ऐसा ही लग रहा करना है, अभी इसको क्रॉस चेक करता हूँ एक बारी, रुको एक बारी तो क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं। तो क्या दिया हुआ है मेरे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला होती है प्रिंसिपल 1+R/100(n-1)। तो यह जगह प्रिंसिपल 40,000 1+5/100(3-1)। तो 5×5=20,000 20, 20, 40,000, 21, 21, 21, 21 upon 20, 20 to 20, -20 into 20 into 20, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 20, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 5, ठीक है 5 21 का क्यूब देखो कितना आ रहा है, हाँ जी 9, 9, 2, 6, 1 और ये आ गया आपका 8,000। तो कितना बच रहा है 1, 6, sorry, 1, 2, 6, 1 into 5, 5×5, 5×6=30, 5×5, 5×5=10, 13, 1 carry, 5×5=6305, ये भी लेना है ठीक है। ठीक है ये भी लेना है, बस खाली लास्ट में एक ही लेना है 5, 9 to 6, 1 आ रहा है और 8,000 आ रहा है, तो डिफरेंस करा तो कितना है 1 to 6, 1 उसको इस 5 से मल्टीप्लाई करा तो 6,305 हमारा कितना आ रहा है 6,205। तो ये बीच वाला भी लेना है ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, जो सिंपल इंटरेस्ट के केस में 2 साल थे, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में 3 साल है तो 3 लेंगे, उसके नीचे 3 करेंगे और लास्ट में 1 लिखेंगे ठीक है। इसको ऐसे करना है ठीक है, आप यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे 6,305 आएगा ये, तो 6,305 डिफरेंस आ गया 305 का और ये आ गया 6,405। ठीक है अब लिखो, अब खुद से करो, ये समझ आ गई सबको, 3-3 करके करना है बाकी सेम रहेगा। अब हम करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट है 80,000, प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है 80,000 और रेट जो दी है, दर दी है 2.5%, टाइम है 3 साल 2.5% और टाइम है 3 साल का और निकालना यही है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट देयर डिफरेंस अमाउंट फॉर द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखाओ। बढ़िया शाबाश,
कोई दिक्कत नहीं, जो निकल रहा है वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं, जो आ रहा है मुझे फाइनल अमाउंट बता दो फिर मैं चेक करूँगा। एक बार चेक करता हूँ मैं, हो गया सबका ठीक है, देखते हैं। तो आपको मैंने दिया था अमाउंट 80,000 और जो कन्वर्ट करने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% दिया था वो 1/40 बन गया। तो 1/40 यहाँ पे इसको कर दिया सिंप्लीफाई, 2000 बना तो ऑटोमेटिकली 2000 यहाँ पे भी आएगा, 2000 यहाँ पे भी आएगा। फिर ऑटोमेटिकली अगर ये 1/40 करूँगा, 1010 गया तो ये बना 50, ये भी बना, ये भी बना 1010, 4 5 और 0 ये आ गया था। फिर लास्ट में एक बारी करना होता फिर से तो 1/40 1010 कैंसिल तो ये बना 1.25 बना, 4 1 4 4 2 8 1.25 बस ख़त्म की। तो ये आपका बना सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, 2 × 4 × 6 6000। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सबको ऐड करेंगे इसके साथ, 50 50 100 150 और 1.25 तो हो जाएगा 151.25, तो हो जाएगा 6151.25। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है इनका, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, डिफरेंस कितना है इनका, तो डिफरेंस आ गया आपका जो ये वाले वैल्यूज़ होंगे कितना आ रहा है वो 151.25। अगर मैंने अमाउंट देखनी होती तो अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट के केस में कितनी आती, 86,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में 86151.25। ठीक है, आ गई समझ, आ गई सबको। अगर आप ये तरीके से क्वेश्चन को करते ना, इतना लेंथी हो जाता कैलकुलेशन, वहाँ 3 बार ही होती, जैसे अभी 21 × 21 × 21 मुझे सेपरेट करना पड़ता, सेपरेट करने में बड़ा टाइम लग जाता, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता बड़ा, यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग ही नहीं है। बस ये है स्टार्टिंग है, 2.5 को कैसे कन्वर्ट करना 1/40 से, वो देखना आपको। ठीक है चलो, अब हम आ जाते हैं, अब जनरल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। लिखो सम ऑफ मनी, A sum of money becomes 4 times in 20 years. A sum of money becomes 4 times in 20 years at simple interest. At simple interest. We'll stop. Find the rate of interest. Find the rate of interest. Find the rate of interest. देखो किस तरीके से करोगे, स्टार्ट दो बट ज़्यादा टाइम नहीं, 1 मिनट 2 समझ आ रहा करने की कोशिश करो, फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है, बट अपने एंड से स्टार्ट करो।
हाँ जी, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये तो समझना है आपको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी कि अमाउंट दी है आपको, अमाउंट कितना हो रहा है, चार गुना, यानी कि अमाउंट चार गुना हो रहा है, यानी कि व्हाट डज इट मीन, यानी कि मैंने जो रुपये, यानी कि एक रुपये डाला था वो कितना बन रहा है, तो मैंने प्रिंसिपल अगर पी लिया तो कितना बन जाएगा, फोर पी, बताओ अगर मैंने प्रिंसिपल पी लिया तो चार साल के बाद कितना हो जाएगा, फोर पी, तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की फॉर्मूला लगा लो, आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पता लग जाएगी, फिर सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला लगा दो आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले आप क्या करो, पहले आप लिखो कि अमाउंट कितना हो रहा है, चार गुना हो रहा है, तो अमाउंट को लिखेंगे, पहले लिखो प्रिंसिपल कितना, पी लिखो, अमाउंट लिखोगे पी, सॉरी प्रिंसिपल लिखोगे पी, और अमाउंट कितना हो जाएगा, फोर पी। तो आपको पता है कि अब अमाउंट किसके बराबर होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल को इंटरेस्ट जोड़ोगे, तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको पता है, नहीं पता है, प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल भी नहीं पता, लेकिन पी है ना, दूसरी तरफ भी पी है, तो पी को उधर भेज दो, तो फोर पी माइनस पी कितना हो जाएगा, तो थ्री पी क्या है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आ गया थ्री पी, पहले लिख लो सिंपल इंटरेस्ट निकालो सभी, थ्री पी आ रहा है तो आगे बढ़ो ना, अदरवाइज मैं दिखा दूंगा। आपने अज्यूम करा प्रिंसिपल पी है, चार साल में, तीन साल कितना टाइम दिया है, 20 ईयर्स ही है, 20 साल में वो चार गुना हो रहा है, यानी कि अगर आपने एक रुपये डाला वो चार रुपये बन जाएंगे, तो मैंने कितने डाले पी, तो कितना हो जाएगा वो, फोर पी बन गया, तो फोर पी लिखा मैंने, अमाउंट आ, अमाउंट मिला मुझे फोर पी, प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट पता ही नहीं, तो इंटरेस्ट को ऐसे रहने दिया। उसके बाद क्या करा मैंने, इंटरेस्ट को, सिंपल इंटरेस्ट को इधर ही रहने दिया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो मैंने प्रिंसिपल को इस तरह भेजा, तो 4p - 3p कितना हो, 4p - p कितना हो गया, 3p, तो मेरे पास इंटरेस्ट पता लग गया कितना है, 3p आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या होती है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन, p से p क्या हो जाएगा, कैंसिल, अब बचा क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया आपको, नहीं दिए, वो ही निकलेगा, टाइम दिया कितना, 20 साल, बस निकल गया, p से p तो कैंसिल हो जाएगा, निकाल के दिखाओ जिनका निकल गया, कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, मेरे पास कुछ पैसे हो, पैसे ही नहीं दिए, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कितना माल है, मैंने कहा पी है मेरे पास पैसे, बोला कितने टाइम हो गया, वो तो 20 साल हो गए, वो 20 साल जो पैसे मैंने पी दिए थे वो 4p हो गए, तो अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल तो दिया है पी, अमाउंट कितना हो गया है 4p, अब इंटरेस्ट बताना, इंटरेस्ट कौन सा है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4p, वैसे पी गए तो कितना है 3p, ये 3p आ गया। अब क्या कर दिया मैंने, कहा ठीक है सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला बट क्या होती है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो इसको ऐसे कर दिया 3p, ये पी से ये पी कैंसिल हो गया, अब टाइम कितना दिया आपको, टाइम दिया 20 साल, तो ये आर आ गया इंटू 20 आ गया अपॉन 100 आ गया, एक जीरो कैंसिल, दो एक दो पंजे ये तीन, तो आर की वैल्यू आ गई 15%, ये तो हमें फाइंड करना था, ये फाइंड करना था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 15%। इंडिया में कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है हमारे पास, अभी क्लासिकल लैंग्वेज सुनी है आपने, क्लासिकल लैंग्वेज, आठवें शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज आती है हमारे पास, 22, उसमें आती है क्लासिकल, कितने क्लासिकल लैंग्वेज, वो तो दर्जा कितने को क्लासिकल का दर्जा दिया है, जितनी भी द्रविडियन डाउन साउथ में हैं उनको आप ओडिया और संस्कृत ऐड करो तो वो टोटल बनती है, स्टार्ट फ्रॉम दी आपका ये बेंगलुरु से स्टार्ट करते हैं तो बेंगलुरु में बोली जाती है तमिल, तेलुगु, कन्नड़,
कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगू, उड़िया और संस्कृत। तो ये क्लासिकल लैंग्वेज होती है, ठीक है। सबसे पहले किसको मिला था? तमिल को मिला था क्लासिकल लैंग्वेज का। तो ये आ गया, 15% आ गया, सबका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, लिखो। एक्सक्यूज मी, एज सम बिकम्स टू टाइम्स इन फाइव ईयर्स, एज सम बिकम्स टू टाइम्स इन फाइव ईयर्स एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फुल स्टॉप। ये एक पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट साथ में क्या जोड़ रहे हैं? फाइंड द टाइम एज सम बिकम्स टू टाइम्स इन फाइव ईयर्स एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द टाइम इन विच द सेम अमाउंट विल बी एट टाइम्स, अमाउंट विल बी एट टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहला वाला पार्ट ऐसे करना है हमको, जैसे इसमें आर 15% निकाला, उसमें आर निकालो कितना होगा, ठीक है। जिसको पूछूंगा वही बताएगा, वो बाकी कोई नहीं बताएगा। कितना है रेट पहले, कितना है? 20% है, शाबाश, सबका 20 आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, थोड़ी चेंज लाया उसे, 20 आ गया आपका भी। अब उसके बाद बोलता है, दूसरी लाइन क्या स्टार्ट होती है, क्या बोलता है? अब टाइम बोल रहा है, टाइम दिया था बट आपको वो वहीं तक कंडीशन थी। अब उसने बोला टाइम बताओ जब वही पैसा कितना हो रहा है, 8 times, पहले कितना गुना हो रहा था वो 2 times, अब कितना हो रहा है? अब वो टाइम बताना जो कि पहले 2 गुना 5 साल में हो रहा था, अब बताना कि ये 8 times कितने साल में हो गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले ये तो अमाउंट हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल हो जाएगा मेरे पास पी, सॉरी ये हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट सॉरी पहले प्रिंसिपल पी दिया आपको, टाइम कितना दिया है 5 साल का, कितना हो रहा है वो अमाउंट हो रहा है दुगना हो रहा है, तो 2p हो गया। तो अमाउंट किसके हो रहा था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अमाउंट की वैल्यू 2p, ये प्रिंसिपल इधर आ गया p इक्वल्स टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वैल्यू आई p, और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी होती है, p इंटू r इंटू t अपॉन 100, और ये p इधर आ गया, ये p से p कैंसिल, r की वैल्यू कितनी है निकालनी है, t की कितनी है 5, और अपॉन 100, 5 के 5 दुने, तो ये r एट ये 1 आ गया, r की वैल्यू 20% आ गई। अब ये बोल रहा है कि यही दर है, इसी दर से आगे बढ़ रहा हो, बट अब क्या हो रहा है, प्रिंसिपल जो पहले p था अब वो कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो रहा है 8p, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी 8p माइनस p हो जाएगा 7p, तो 7p किसके बराबर होगा, p इंटू r इंटू t अपॉन 100, तो यहाँ से p कैंसिल हो गया, दर वही है जो पहले निकाली, वो क्या निकाली अपने 20, तो 20 अपॉन 100, और ये टाइम ऐसे रहा, यहाँ पे 7 रहा, 0 0 कैंसिल, 2 1 2 5 3 के वाली 7 बजे 35 साल होगी। ठीक है,
ठीक है, समझ आ गई? इसमें कहीं कन्फ्यूजन है तो बताओ। हो गए, समझ आ गई? ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस है। ऐड और सब्ट्रैक्ट होता तब देखो, अगर मैं क्या करता ऐसे समझो, ये पी को नीचे लेके आता मैं, ऊपर पी नीचे, पी से पी कैंसिल हो गया, तो ये तो क्या हो रहा है, डिवीजन का केस हो रहा है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तब होता है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए मैंने पी नीचे भी आ सकता, पी मैंने क्यों कैंसिल करा कि आगे पीछे करना पड़ता, ठीक है। देखो क्या होता कि ये पी अगर इसको उठा के लेके जाता तो इधर नीचे आता है, ये जैसे आर की वैल्यू 20/100 है तो 100 ऊपर आ गया, एक कितना था 5 था, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन एडिशन कब लगेगा और सब्ट्रैक्शन सॉरी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कब लगेगा। देखो सम ऑफ रुपीज 7700 इज लेंट आउट, LENT लेंट आउट इन टू पार्ट्स। सम ऑफ 7700 इज लेंट आउट इन टू पार्ट्स इन सच अ वे that the interest in one part at 20% for 5 years is equal to 9% for 6 years. Find the two sums. Equation बनाने की कोशिश करिए। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसने बोला कि कुछ एक पैसा है, पैसा कितना है 7700, वो दो पार्ट्स में बांटा है इस तरीके से कि देखो अब इस क्वेश्चन में आपको कहीं पता लग रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट दिए कंपाउंड इंटरेस्ट दिए लिखा क्या कहीं पे? तो अगर ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें ना आपको ये दिया होगा सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होगा, उसमें हम क्या निकालते हैं, उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको क्या बोला था, प्रॉफिट लॉस जब भी प्रॉफिट लॉस होता है तो उसका जो बेस होता है वो हम CP लेते हैं, अनलेस कि क्वेश्चन में पूछा ना हो, बोला ना हो कि आपको SPP निकालना है। वैसे ही अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो कि इंटरेस्ट कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हम क्या लेते हैं, वी ऑलवेज टेक सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इसने बोला कि मेरे पास कुछ पैसे थे, आधा पार्ट मैंने 20% 5 साल के लिए दिया और बाकी पार्ट आधा नहीं है, मतलब 50-50 नहीं बांटा उसने, कुछ पार्ट और कुछ पार्ट अलग है, एंड अनदर पार्ट इक्वल्स टू 9% फॉर 6 ईयर्स, फाइंड दी टू सम्स, यानी कि दो पार्ट कितने कितने वो बांटे जो है उसके हिसाब से। तो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या होती है, P into R into T upon 100। अभी दिक्कत यहाँ पे क्या है कि मुझे पता ही नहीं पैसा कितना है, किसका क्या है, बट इसने क्या बोला कि उन दोनों का क्या सेम आ रहा है, कुछ सेम दिया है, कुछ इक्वल का केस किसी के लिए बोला क्या क्वेश्चन में? इज इक्वल टू बोला ना, यानी कि एक पार्ट का जो इंटरेस्ट है वो दूसरे पार्ट के इक्वल है, तो ठीक है।
तो अभी मुझे पता ही नहीं कि मेरे पास पैसा कितना है। पैसा मेरे पास 7700। अगर इसको इसका एक पार्ट में एक्स मान लेता तो दूसरा पार्ट क्या हो जाता है, 7700 माइनस एक्स। ये कल भी बताया था मैंने कैसे होता है कि अगर आपको मैंने इसमें से 5000 दे दिया तो बाकी जो बचा होगा दूसरे के पास होगा, तो उसके पास एक्स है, दूसरे के पास 7700 माइनस एक्स है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसका जो सूत है पहले वाले पार्ट का कितना इंटरेस्ट चल रहा है, 20% और साल कितने है? तो इसको लिख दिया मैंने, किसके इक्वल है, दूसरे वाले के, वो कितना है 77, कितने साल के लिए है वो, 6 ईयर्स और 9। बस बन गई बात, ये 100 ही 100 कैंसिल, 20 पंजे 100, 100x, 9 6 54, 7700 इंटू 54 माइनस 9 6 54 एक्स इंटू 54। अब ये इधर आ गया क्योंकि x इधर भी है, इधर भी x है, तो इसको इधर लेके आए, 100x प्लस 54 इंटू एक्स इक्वल्स टू 7700 इंटू 54। यह आ जाएगा 154x इक्वल्स टू 7700 इंटू 54। अभी नहीं सॉल्व कर रहा हूँ उसको, x की वैल्यू आई 7700 इंटू 54 अपॉन 154। ठीक है, तो टू सेवन ज़ा फोर्टीन, 77 1 ज़ा 77, 2 0 आ गए, कितना आ गया 2700। ये 2700 आ गया, दूसरे को किससे घटा दूंगा, दूसरा क्या है 7700 माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा 7700 माइनस 2700, कितना आ गया 5000। तो ये आपके अमाउंट आ गई। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया है, इक्वल कैसे किया हमने, तो उसको समझने के लिए आपके पास जो डेटा है उसको लेंगे। तो इसमें क्या बोला है कि इसमें स्टेट करा हुआ है उन्होंने कि 7700 इज लेंट इन टू पार्ट्स इन सच ए वे दैट इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन अदर पार्ट। तो ये करके मैंने कर दिया, तो एक पार्ट आया आपके पास 2700, दूसरा है 5000। क्लियर हो गया ये? ठीक है, सबको समझ आ गई? किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछो। ठीक है चलो, दैट इज एनफ फॉर टुडे, बाकी कल डिस्कस करते हैं इसको, कल फॉर्मूला देख के आना। ठीक है।